आरएसी यार भर्ती की भी थोड़ी थोड़ी न्यूज आने लग गई। आरएसी आओगी, जल्दी आओगी, दसवीं पास वाली, उसमें पहले फिजिकल होगा, फिजिकल करा दो, फिजिकल चिंता ना करो, फिजिकल है कि 5 किलोमीटर दौड़ी तो है। और जबकि भी थारी इच्छा है कि अगर मेरे बचपन का सपना आईएएस बनने का था, नीट वह बड़े बाद में जी कह रहे, या फिर 10वीं करता है, 10वीं 90-95% आ जाए, नहीं अब तो आजकल रहे हो पहली मेरिट को सिस्टम हो तो पहली मेरिट जो आती है उसके पास मीडिया वाले जाते थे, बोला आपका सपना आईएएस बनने का। हाँ ये हमारे यही चीज अगर डेवलप कंट्री में पूछी जाती तो वो कहते कि हमारा सपना है बिजनेसमैन बनने का। आपका भी कुछ सपना है, लेकिन कोई भी सपना होगा, एक वो कभी लाइन आपने सुनी है कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, राम कहे संतन को सुख, और संत कहे संतोष में सुख। ये लाइन कभी सुनी नहीं क्या? मतलब भक्ति भावना की और बिल्कुल ही थारो मन, ये लाइन का बहुत महत्व है। एक एक शब्द पे चर्चा हो सकती है इसमें। बाबा जी आज सत्संग करेंगे, राधे राधे, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये चीज क्यों बता रहा, इसको समझने की कोशिश करना। क्योंकि हो सकता है आपका मास्टर बनने का मन हो सकता है पुलिस में बनने का हो। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा, यानी हर आदमी को जो चीज मिल गई ना, जो चीज आपको प्राप्त हो गई, थोड़े दिन बाद आप उस चीज से ऊब जाते हो। ये मन का स्वभाव है, मन के बहकावे में ना आ मन राह भुलाए, ये लाइन शुरू, ये मन का स्वभाव है। अब उदाहरण दूं जब समझ में मन करता रहे, यहां लाइन आऊंगी या समझ में आया तो फिर अट थोड़ी बैठे रहो। आप में से बहुत सारे लोग आईफोन को देख के भी प्रभावित हो जाते हैं, आईफोन है। प्रभावित वही लोग होंगे जिनके पास आईफोन नहीं है। हाँ, जिनके पास है उनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से भी, जिसके पास है होगा। आप किसी की गाड़ी देख के भी प्रभावित हो सकते हो, सिर्फ वही होगा जिसके पास नहीं है। अब या तो हो सकता है आपके पास बोलेरो है तो आप किसी बड़ी गाड़ी को देख के प्रभावित होगे, लेकिन जिसके पास बोलेरो आप उससे प्रभावित नहीं हो सकते। जो चीज आपको मिल गई उस चीज से आप कभी, जो आपके पास है, आपको पता है अमीर लोग भी अमीरी से उप जाते हैं। तो गुरु जी अमीरियों ही कोई उपयोगे उपजे। कभी किसी 5-स्टार होटल में जब आपका कभी जाना हो तो वहां देखना, जब कोई अमीर आएगा ना वो बोलेगा कि 5-स्टार अलग झोंपड़ा बनाए रखे। झोंपड़ा किसके पास होता है? गरीब के पास। वो झोंपड़े में जाके रुकेगा, ऑर्डर देगा मिर्च बाजरी की रोटी, यानी वो हाँ सांगरी की सब्जी जो गरीब खाएगा, यानी वो अपनी अमीरी से उबा हुआ है और गरीबी का एहसास लेना चाह रहे हैं। अब गरीब अगर कोई 5-स्टार में जाएगा, मटर पनीर ये वो, अब वो गरीबी से उबा हुआ है बेचारा, वहां अमीरी का एहसास लेना चाह रहे हैं। कभी अमीर आदमी को देख के प्रभावित हो ही नहीं सकता। जैसे आप में से किसी को अच्छा गाना आता हो, अच्छा गाना, अगर यहाँ फिर कोई गाने वाला आ जाए वो उस पे लट्टू नहीं हो सकता, वो प्रभावित नहीं। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं किसी हिस्ट्री के मास्टर से प्रभावित नहीं हो सकता। क्यों? वो गुण तो मेरे अंदर है। अब जो गुण मेरे अंदर है उससे मैं क्या प्रभावित हूं? जैसे मान लो कि कोई लड़की किसी लड़के से प्रभावित हो, लड़की का एक गुण है, वाह वाह नहीं गुड, सुन दो काम की चीज है, बता रहा हूं कि धीरे धीरे आप किन चीजों से उबोगे। लड़की का एक गुण है कि उसका स्वभाव है कि वो सरल स्वभाव की होती है, चुपचाप रहने वाली, न बोलने वाली, ये उसका स्वभाव है। अब सुन ले, ये उसका स्वभाव है। अब वैसा ही अगर लड़का है जो चुपचाप रहता है, लड़कियों की तरह बोलता नहीं है, एकांत में बैठा रहता है, प्रभावित नहीं हो सकती। लड़की उग्र स्वभाव के लड़के से ज्यादा बेबाक बोलने वाला, धड़ाधड़ मारकाट करने वाला, आजकल गाना भी देखा हो गया, गाना भी वही दिखा रखे। अब मान लो कि अब लड़के के गुण है कि उसका स्वभाव जो है वो थोड़ा सा उठपटांग स्वभाव है, क्योंकि एक्स 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 वाई। अब इनमें समझो दोनों चीजें उसके पास सेम है लड़के के पास, इसलिए वो शांत है। क्यों? क्योंकि कोई प्रतिक्रिया है ही नहीं। यहां पर दो विपरीत चीजें मिली हुई है और विपरीत गुण की वजह से वो कभी भी सरल स्वभाव का नहीं हो सकता, उसमें हमेशा उतावलापन उसका स्वभाव है। आपका स्वभाव है उतावलापन, सीधा बोलना,
या बात पे लड़ाई करना, गुस्सा आना। अब मान लो कोई ऐसी लड़की है क्लास में जगी गदांग टिंगरांग वेल देर जा गए खड़े हो, आप प्रभावित हो जाओगे क्या उससे? कभी नहीं हो सकते। क्यों? जो गुण आपके अंदर है। अब मैं मान लो कि आपकी पत्नी या प्रेमिका, जो पत्नी को आप पूछना, और प्रेमिका मैं क्या कहती हूँ, था लुगाई ना पूछियो कि मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रख लूं, वो बोलेगी हाँ सुंदर लगोगे, थोड़ी थोड़ी रखो। क्यों? क्लीन से हो तो है ही। अब सोचो कि आप लड़की देखने गई और बहुत सुंदर लड़की थी लेकिन थोड़ी थोड़ी मूंछ आई डी, क्या आप उससे प्रभावित होंगे? क्यों? क्योंकि मूंछ तो आपके पास है ही।